नमस्कार हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। चलिए आज के समाचारों पर नजर डालते हैं। आज सीएम जयराम ठाकुर ने जहां नई दिल्ली में राज्यों के सीएम और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल हुए, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। और अब आते हैं हिमाचल कांग्रेस पर। तो कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर में कहा कि हिमाचल में 40 साल बाद नया नेतृत्व आया है। उधर पटियाला में हुई हिंसा पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा बदले हुए मौसम व प्रदेश में पड़ रहे सूखे पर भी एक नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र दौड़ाएंगे हेडलाइंस पर। सीएम जयराम ने नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों और सीएम के संयुक्त सम्मेलन में की शिरकत। अत्याधुनिक बीएसएल लैब हुई तैयार, अब हिमाचल में होगा टीबी का एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा, हिमाचल कांग्रेस में 40 साल बाद बदले नेतृत्व का मिलेगा लाभ। कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर बोले, राजनीतिक लाभ के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी करवा रही सांप्रदायिक हिंसा। हिमाचल में बन रहे 900 जल सरोवर, 15 अगस्त को 75 साल के सीनियर सिटीजन सरोवरों के पास फहराएंगे तिरंगा। लाहौल स्पीति में बारिश व बर्फबारी शुरू, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी, 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। हिमाचल में 18 वर्षों में अप्रैल में हुई सबसे कम बारिश, राज्य में सूखे जैसे बन रहे हालात। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों और सीएम के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के अलावा विज्ञान भवन में अन्य राज्यों के सीएम और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने संयुक्त सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के इन 75 सालों में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के ही रोल और जिम्मेदारियों को निरंतर स्पष्ट किया है। इस एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान कार्यपालिका और न्यायपालिका इस दिशा में प्रयासों के तालमेल के लिए साझा आधार खोजने के तरीकों पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा और प्रधान सचिव विधि राजीव भारद्वाज भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। अब हिमाचल प्रदेश में ही क्षय रोग का एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट होगा। इसके सैंपल दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। रिपोर्ट के लिए भी 3 माह का लंबा इंतजार नहीं करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने क्षय रोग अस्पताल धर्मपुर में एडवांस लिक्विड कल्चर टेस्ट के लिए लैब स्थापित कर दी है। इसमें सैंपल परीक्षण की रिपोर्ट 30 से 35 दिन में मरीज को मिल जाएगी। इसके बाद उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सकेगा। अभी तक इस टेस्ट के सैंपल दिल्ली स्थित केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त लैब में भेजे जा रहे थे, जहाँ देश भर से सैंपल आते हैं, लिहाजा इसकी रिपोर्ट तैयार करने में ही 3 माह का समय लग जाता था। धर्मपुर में स्थापित की जा रही लैब में करोड़ों के बीएसएल 3 अत्याधुनिक जांच मशीनें लगाई जा चुकी है। 2 माह में लैब कार्य करना शुरू कर देगी। हिमाचल में 40 साल बाद नया नेतृत्व आया है। नई लीडरशिप से व्यवस्था मजबूत होगी, जिसका पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। ये बात प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद अनुसूचित जाति ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सम्मेलन में पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। शनिवार को सुजानपुर में अनुसूचित जाति ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि जो चुनौती बीजेपी की डबल इंजन की सरकार दे रही है, उसे अवसर में बदलने का दायित्व पूरी कांग्रेस टीम निभाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी विचारधारा या व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पंजाब पटियाला में हुई हिंसा को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने एक बड़ा बयान दिया है। राठौर ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब को अशांत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है। पंजाब की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी तक दी है, और अगर इसे अब फिर से खंडित करने का कोई प्रयास किया जाता है तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है।
राठौर ने कहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत पंजाब को शांत करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में शांति बहाली कांग्रेस सरकार ने पूर्व सीएम सरदार बेअंत सिंह के नेतृत्व में कायम की थी, पर दुर्भाग्यपूर्ण आज ये शांति अशांति में बदल रही है। हिमाचल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रदेश के हर जिले में 75 जल सरोवर के हिसाब से 900 सरोवर तैयार किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन इन सरोवरों के पास 75 साल की आयु से अधिक के सीनियर सिटीजन तिरंगा फहराएंगे। इस संदर्भ में शनिवार को शिमला में राज्य सरकार के मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर 75-75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इन सरोवरों के निर्माण से भूजल के स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मैदानी क्षेत्र गर्मी से तप रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में मौसम मेहरबान हो गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बारह लाचा दर्रे सहित समस्त ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू है, लेकिन लाहौल घाटी में शुरू हुई बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सैलानियों को सफर न करने की सलाह दी है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले 2-3 दिन मौसम खराब रहेगा। हालांकि छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू है, लेकिन बर्फबारी का क्रम ऐसा ही रहा तो वाहन चालकों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से पर्याप्त बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में राज्य के भीतर 18 वर्षों में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में 1 से 30 अप्रैल तक बारिश में सामान्य से -79% तक की भारी कमी दर्ज की गई है। अप्रैल में सिर्फ 7.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये वर्ष 2004 के बाद से सबसे कम है। इस दौरान प्रदेश में सभी जिलों में बारिश की भारी कमी रही। पूरे माह लोगों को मैदानी भागों के साथ साथ पहाड़ी भागों में भी गर्मी की मार झेलनी पड़ी है। प्रदेश के ऊना, धर्मशाला, भुंतर, कांगड़ा व मंडी में लोगों को लू का सामना करना पड़ा। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।